नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की संसाधन और विकास के नाम से जो आपकी बुक्स है उसी को देख रहे हैं। तो इसमें अभी तक हम लोग 4 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं, ये आपका 5वां चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 5वें चैप्टर के बारे में जानते हैं। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं यानी कि कॉपी, वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है। किससे? वृक्ष से। वृक्ष को काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है, जहां वृक्षों की लकड़ियों को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है, जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के ऊपर रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार में दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है। तो पेड़ों से इसकी कहानी शुरू होती है और ये आपकी कॉपी में बदलती है। यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। कागज निर्माण, ये है कॉपी। इसका पुनर्चक्रण भी संभव है, ठीक है, होता भी है। जब आप लोग बेचते हैं कॉपी को तो कहाँ जाता है? पुनर्चक्रण के लिए तो जाता है। बात करते हैं द्वितीय क्रियाकलाप या फिर विनिर्माण। विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में है। ये विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित करता है। उद्योग, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले की धरती को धरती से निकालने से संबंधित है। पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है आपका। अब बात करते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार, उदार, स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। कच्चा माल, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उद्योगों का उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उद्योग उत्पाद, चरम उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के आपके उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योगों की बात करें तो प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग करके माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद उन उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन या कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। बात करते हैं समुद्री आधारित उद्योग, सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ आपके उदाहरण हैं। फिर आपका वन आधारित उद्योग, वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषधि रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण वनों से संबंधित आपके उद्योग हैं। फिर बात करते हैं आकार के आधार पर। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से। आकार के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला लघु आकार के उद्योग, दूसरा बृहत आकार के उद्योग। कुटीर या लघु कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण
निर्माण हाथ से होता है, टोकरी बनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई, खाद्य विक्रमण उद्योगों लघु पैमाने के उद्योग हैं आपके। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योगों में है। मखाने के खाद्य विक्रमण की अवस्थाएं हैं। बात करते हैं स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या फिर व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का एक उदाहरण है। फिर आपका सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण सहकारी क्षेत्र में सुधा डेयरी। ठीक है, बात करते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहाँ इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी-कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत, अन्य अवसरों जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। उद्योगीकरण से प्रयास नगरों, शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। इसका मतलब यही हुआ कि जहाँ इसके अनुरूप स्थिति होगी वहीं उद्योग लगेंगे। जैसे आप कृषि वहीं कर सकते हैं ना जहाँ अच्छी मिट्टी हो, पानी की सुविधा हो, उर्वरक मिट्टी हो, है ना, मतलब उत्पादन हो सके फसल का। तो इसके लिए भी यही कारक होते हैं, जैसे संचार की सुविधा हो गई, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल, ये सभी उद्योगों के अवस्थिति संबंधी कारण। पर आपका औद्योगिक तंत्र क्या है? औद्योगिक तंत्र में निवेश, विक्रम, निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। विक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं, निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। विक्रमों में उटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। बात करते हैं औद्योगिक प्रदेश के बारे में। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप, पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्र पतनों के समीप, विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट स्थित होते हैं।
ये आपके विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, जैसे भारत में मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, और गंगा घाटी हो गए। जो आपका ये काला रंग में दिखाई दे रहा है, ये आपके औद्योगिक प्रदेश है, और ये रंग आपका रेड, थोड़ा रेड टाइप का, ये विश्व की औद्योगिक पट्टी है आपकी, ठीक है। काराकास, बोंगोटा, बोगोटा, बहिया, बहिया तट, दक्षिण पूर्व ब्राजील, ये सभी आपके औद्योगिक प्रदेश हैं। यहाँ डॉनबास, बीजिंग, पर्थ, ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबोर्न, जावा, ठीक है, देख लेना। ये आपका उत्तरी अमेरिका है, याद रखना है। ये दक्षिणी अमेरिका, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप, ये आपका यूरोप, एक एशिया हो गया, ये आपका प्यारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, केप टाउन, डरवन, नेरो नरोवी, नेरोवी, ये आप घना हो गया, साइजीरिया हो गया, ब्राजील, ब्यूनस आयर्स, मॉन्टेवीडियो, सेंटियागो, लीमा, इक्वाडोर। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं आपके, जैसे मुंबई, पुणे, समूह, बंगलौर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ौरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश आदि। बात करते हैं औद्योगिक विविधता के बारे में, किसके औद्योगिक विविधता, उद्योगों में दुर्घटना, विविधता मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। भारत में ये घटना आपकी बहुत चर्चित रही है, और ये हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है, इससे एक नए क्वेश्चन। भोपाल में आपकी 3 दिसंबर 1984 को लगभग रात में आपका 12:30 बजे घटे, जब तक कि सबसे यह अब तक की आपकी सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक औद्योगिक दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ विषैली मेथाइल आइसोसाइनाइड, इसे क्या बोलते हैं, MIC, मिक गैस का रिसाव हुआ। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या अधिक बीमारियों से, जैसे अंधापन हो गया, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत विकृतियां आदि से पीड़ित रहे। तो इसमें पूछ लेता है आपका प्रीलिम्स से पूछ लेता है इससे क्वेश्चन, कब हुई, तो डेट याद रखना है, कौन सी कंपनी थी और कौन सी गैस थी, ठीक है, इनको याद रखना है। 23 दिसंबर 2005 में चीन के गांव काओ चोंगकिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु, 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इन स्थानों से 64,000 लोगों की को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के कारण के बाद ना भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग गए पाए, उनकी आंखें, त्वचा, फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए। जोखिम कम करने के उपाय, घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का संज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। या आपके गांव गांव काव में बचाव अभियान चल रहा है, देखिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अब प्रमुख
उद्योगों का विवरण। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग हैं आपके, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। विदेश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है, जैसे जर्मनी हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस है। वस्त्र उद्योग जैसे आपका भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलोर राज्य में विदेश में है। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। उभरते हुए उद्योगों को क्या कहते हैं? सनराइज उद्योग के नाम से भी जानते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग आपके शामिल हैं। बात करते हैं लोहा इस्पात उद्योग। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश विक्रम और निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लोहे, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। लोहे अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झुनका भट्टी में रखा जाता है, जहां यह पिघलित होता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है, जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। पिघलन। पिघलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्क द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। आगे चलते हैं। इस्पात कड़ा होता है, इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है। इसमें अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं, एल्यूमिनियम, निकेल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर उसकी मिश्र धातु में बनाई जा सकती है। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। 8 टन कोयला हो गया, 4 टन अयस्क, 1 टन चूना पत्थर, इसमें कितना? 1 टन इस्पात बनता है इससे। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं, वे या तो लोहा या फिर इस्पात से बने हैं, अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रैक, ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयां जिनका उपयोग आप करते हैं, वे भी इस्पात से बनती हैं। तेल को इस्पात से बनी मशीनों से बोधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्तेमाल इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि यंत्र प्रायः आपके इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बना होता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति, बहता जल आसानी से उपलब्ध। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला के क्षेत्र समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया। लोहे अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। यह आपका झुनका भट्टी में लोहे अयस्क से इस्पात, लोहे अयस्क, चूना पत्थर, कोक, ये झुनका भट्टी हो गई, गर्म वायु यहाँ से, ये आपका इस तरफ धातुमल, इस तरफ पिघले लोहा।
1850 से 1950 तक की सर्वोत्तम अवस्थिति, 1800 से पूर्व सर्वोत्तम अवस्थिति इस तरह, और 1950 से अब इस तरह ही। विश्व के प्रमुख लोहे इस्पात उत्पादन के केंद्र आपके ब्राजील हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोप में जर्मनी, रूस, चीन में भी है, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ती श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुई है। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई हो गया, दुर्गापुर, वर्णपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है जो चार राज्यों में फैले हुए हैं। वे चार राज्य हैं आपके पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं आपके, जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। जमशेदपुर, 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, इसे क्या बोलते हैं, टिस्को, यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्ची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साक्ची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। ये आया आपका जमशेदपुर लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति। देखिए रेखा चित्र, ये आपकी टाटा नगर रेलवे स्टेशन है। ये स्वर्णरेखा नदी है, डिमगा, डिमना झील, पहाड़ी, सोनागिरी, जमशेदपुर, जलिया, कदवा, हवाई पतन, गल्फ, टाटा मुख, अस्पताल, सामान डाकघर, साक्षी, गोल्ड कोस्ट, ट्यूब्स मंडल, टेलको, टेलको कॉलोनी, क्या है, ठीक है। साक्षी को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लोहे, कोयला, मैग्नीट निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लोहे, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई है। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें आपके रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीन, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ है। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लोहे इस्पात उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बेहद समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित हैं। इसमें द्वितीयक उत्पादक रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। चलते हैं हम लोग पीट्सबर्ग, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पीट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधा उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पीट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लोहे अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और
पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह एस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लोड एस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल भी इसे प्राप्त होता है। आज पीटर्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में है। पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने, रेल पटरी उपकरण, भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। ग्रेट लेक्स के नाम से सुपियर, ह्यूरन, ऑन्टारियो, मिशिगन और ईरी हैं, ये सब झील हैं। इन पांच झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। अब बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशेबद्ध वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लेनन, जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशों में आपका नाइलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, एक्रिलिक हो गया और रेयॉन शामिल है। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्त कताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावर लूम ने पहले ब्रिटेन में और उसके बाद विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योगों के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। शब्द टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सरे से व्युत्पन्न किया गया है। इसका अर्थ होता है बुनना। टेक्सटाइल का अर्थ क्या होता है? बुनना। भारत में अत्यंतम गुणवत्ता की सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कती और हाथ से बुनी हुई वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलबल, मसूलीपट्टनम की छिंड, कालीकट के कैलिको तथा बुरहानपुर, सूरत व वडोदरा की सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके, जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट में करते थे। अब आप ये सोचिए कि एक आटा चक्की होती थी, एक लाइट वाली है, एक वो हाथ से चलाने वाली होती थी। अब अगर आप 10 किलो आटा ले लीजिए, 10 किलो गेहूं, उसे देखिए कि हम लोग अगर हाथ की चक्की से चलाते हैं तो कितने घंटे लगेंगे, और जो मशीन आई हुई है जो हमारी लाइट से चलती है या तेल से चलती है, इसमें कितने टाइम है। तो आपको जो हाथ से चलाएंगे उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा ना, और जो मशीन है लाइट या डीजल से इसमें कम टाइम लगेगा, नॉर्मल सी बात है। तो जो हाथ वाली आटा चक्की है वो इस आधुनिक चक्की से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकेगी, तो वो पिछड़ जाएगी। इसी तरह आपका हाथ से जो सूती कपड़े बनाए जाते थे, डिजाइन की जाती थी, ये आधुनिक मशीनों से जो सूती वस्त्र बनाए गए उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके और प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गए। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। आपकी उष्ण आद्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पतन, कच्चे माल की उपलब्धता
और दक्ष सेमिक इस प्रदेश में इस उद्योग की द्रुत फैलाव में सहायक रहा। पैरा में यह उद्योग महाराष्ट्र गुजरात राज्य में अनुकूल आद्र जलवायु के कारण बन पा, लेकिन वर्तमान में आद्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता, इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया है। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं इसके। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग आपका 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया था, याद रखिए। विश्व के प्रमुख सूती वस्त्र निर्माण विनिर्माण प्रदेश आपके, देखिए ब्राजील दक्षिण अमेरिका में, ये उत्तरी अमेरिका में हो गया आपके, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, यूरोप में हो गया आपके, भारत में देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। चलिए चलते हैं आगे, अहमदाबाद, भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग एक तिहाई हिस्सा निर्यात किया जाता है। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है, यहाँ आपका साबरमती आश्रम बना हुआ था। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई। यह इतिहास से कि मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक है। अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है, यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कताई बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूमि, भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्ध कुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें, रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नजदीक में मुंबई पतन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है, परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण ना होना इसका प्रमुख कारण है। ओसाका, ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है, या जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र का उद्योग विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। उष्ण आद्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध है। पतन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसा का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन, यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग भी, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग, लौह इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरणों और सीमेंट लेते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि 1945 में 2 बार परमाणु हमले भी झेल चुका है जापान, फिर भी विकसित देशों में खड़ा हुआ है। यही कारण है कि वहां मेहनती लोग हैं और वहां टेक्निकल यानी कि प्रौद्योगिकी विकसित है काफी। अब आपने यहाँ से कच्चा लोहा ले जाते हैं और उसी कच्चे लोहे को जो हमारे आधुनिक चीजें हैं
चाहे आपकी कोई कैंची हो या मतलब इस तरह की उपकरण है, उन सभी को बनाकर बाबा सबने इंडिया में भेज देते हैं। अब सोचिए, 1 किलो लोहा ले जा रहे हैं, मान लीजिए 1 किलो लोहा ले गए, उन्हें छोटे छोटे कीलों में, पिनों में उनने बदल दिया। लोहा कितने का, कच्चा लोहा कितने का हुआ? 15 से 16 रुपया किलो। अब सोचिए उसमें जो कीले निकल रही हैं वो कितनी, 100 से 150 रुपये किलो कम से कम। अब कितना फायदा हुआ? तो यही कारण है उसके विकसित होने का। ये आपके इसी अध्याय से संबंधित क्वेश्चंस हैं, इनके आपके क्वेश्चंस हैं तो देख लेना, ने और आपकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डली हुई है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए। जब भी टाइम मिलता है, मन करता है, तो एक बार रिवीजन कर सकते हैं। तो ये था आपका 5वां चैप्टर। छठवें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे मानव संसाधन।